इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेपरेशन टेक्निक्स के नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। हम इस मैटर अराउंड दिस प्योर की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 5 सेपरेशन टेक्निक्स डिटेल में देखी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट और 4 सेपरेशन टेक्निक्स कराऊंगी, जो थोड़ी सी टीडियस है लेकिन हम डिटेल में समझेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं डिस्टिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये मिक्सचर के उन कॉम्पोनेंट्स को अलग करने के काम आता है जो कॉम्पोनेंट्स मिसेबल है। मैंने लास्ट टाइम सेपरेटिंग फनल को यूज किया था इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए, इमिसिबल कॉम्पोनेंट्स को अलग करने के लिए। इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो ढंग से, जो मिक्स हो ही ना और अलग रह सके, जैसे ऑयल एंड वॉटर। एंड मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाए। अब वो मिक्स हो गए तो उनको अलग कैसे करें, मिसिबल है तो अलग कैसे करें, तो वो हम अलग करेंगे डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करके। बट अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ये देखने के लिए कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज की जाए, वो होगा डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट उन दो मिसिबल सब्सटेंसेस का काफी ज्यादा है, सब्सटेंशियल है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम सिर्फ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। पर अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो थोड़ा सा अलग है सिंपल डिस्टिलेशन से। आपको डायग्राम के थ्रू मैं डिटेल में अभी प्रोसेस समझाऊंगी, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ चीजें जो बुक में नहीं लिखी, मैं वो लॉजिक्स भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी जो हम थोड़ी हायर क्लासेस में करते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। मैंने आपको ये बताया कि डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विच कंटेन टू मिसिबल लिक्विड्स, वो लिक्विड्स जो मिक्स हो पा रहे हैं, दैट बॉइल विदाउट डीकॉम्पोजिशन। वो लिक्विड्स आपस के ही सब्सटेंसेस ना अलग कर दे, जैसे उस लिक्विड में से ही उसके आपस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग ना हो, डीकॉम्पोजिशन ना हो। एंड दे हैव sufficient difference in their boiling points, मतलब उनका जो difference है boiling points का वो substantial और sufficient है। और criteria क्या है, मैंने जो criteria देखा है वो है 25 degree celsius से ज्यादा। अगर उससे कम का difference हुआ boiling points में, तो मैं fractional distillation को use करूंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी। आइए अब इस process को समझते हैं। ये एक apparatus है, सेटअप किया हुआ है डायग्राम में मैंने। तो ये जो फ्लास्क है, दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। नीचे बर्नर है और मैंने जो दो कंपोनेंट्स लिए हैं जिनका मिक्सचर हम देखने वाले हैं, वो है एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन की अगर मैं बात करूं तो एसीटोन का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो तो मुझे पता ही है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे तो वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है एंड सफिशियंट इनफ कि हम सिंपल डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने इनका एक मिक्सचर, सिंस मिसिबल है, मिक्स हो गए, एक मिक्सचर मैंने यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा। मैंने नीचे से उसको हीट करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे ऊपर एक थर्मोमीटर अटैच्ड है। बिकॉज ये थर्मोमीटर क्यों अटैच्ड है, बिकॉज यहाँ क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो कम बॉइलिंग पॉइंट पे भी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब वो टेम्परेचर पहुंच जाए, जैसे जब थर्मोमीटर में 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो जो मेरा एसीटोन है वो इवेपोरेट होके मुझे अलग से मिल जाएगा। मैं वो समझाऊंगी कैसे। तो ये थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर चेक करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर लिया है एसीटोन एंड वाटर का।
एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर का भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ से नीचे बर्नर ऑन किया और यहाँ से फायर आई। जब आग आई और ये जो मिक्सचर है वो हीट हुआ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और 56 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर में शो होगा, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो चैप्टर 1 में मैंने आपको कराई हुई है। सो अब बेसिकली क्या होगा, एट द टेम्परेचर ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन जो है वो राइज करना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स शुरू कर देगा। वेपर्स बनके वो ऊपर आना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, जब वेपर बनके एसीटोन ऊपर आना शुरू हो गया, वाटर अभी नीचे ही है। वाटर बॉइल इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वाटर बॉइल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड उतना टेम्परेचर एंड उतना हीट हमने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। तो एसीटोन जब राइज हो रहा है इन द वेपर फॉर्म, तो वो इस डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से निकल जाएगा। ये जो हमने बनाया हुआ है वाटर कंडेंसर, ये एक कूलिंग सिस्टम है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। वो क्या करेगा, जो एसीटोन से वेपर्स आ रही है उन्हें यहाँ पे कूल करके लिक्विड फॉर्म में कर देगा, और जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी तो राइट साइड पे जो बीकर पड़ा हुआ है, टम्बलर पड़ा हुआ है, वहां पे एसीटोन जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब ये वाटर कंडेंसर हमने बनाया कैसे, मैंने यहाँ पे एक ट्यूब सी लगाई हुई है जहां से कोल्ड वाटर जा रहा है एंड दूसरी तरफ से जो वाटर है वो बाहर निकलेगा। तो ये जो मैं वाटर पास कर रही हूँ, ये कोल्ड वाटर जो है वो इसको कंडेंसिंग सिस्टम बना देगा, कूलिंग सिस्टम बना देगा, और ये कूलिंग सिस्टम उस एसीटोन के वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर की कूल हो गया है वो, एंड वो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा एसीटोन। फॉर दैट टाइम मीन हमारा जो टेम्परेचर है भी वो 56 डिग्री सेल्सियस कुछ टाइम के लिए था बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमें पता है टेम्परेचर राइज नहीं करता बिकॉज वो जो एनर्जी और हीट है वो यूज हो जाती है स्टेट चेंज करने में। अब आगे चलते हैं, तो अब वॉटर तो यहीं पे रह गया, लेकिन एसीटोन वेपर फॉर्म में एट 56 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे निकल के हमें अलग से सेपरेट आउट होके मिल गया। तो अगर हम यहाँ नोटिस करें तो बहुत सिंपल से प्रोसेस से एसीटोन यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे रह जाएगा। आप चाहें तो वाटर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आप वापस से इस पहले तो उस एसीटोन के बीकर को खाली कर दीजिए, फिर वापस से इसको हीट कीजिए। जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वाटर के भी वेपर्स निकलेंगे, कूल होके अलग से आपको वाटर जो है वो अलग से बीकर में मिल जाएगा। तो ये तो था बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हमारा डिस्टिलेशन का, बट यहाँ पे एसीटोन और वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट आई गेस 44 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, व्हिच इज सब्सटेंशियल एंड सफिशिएंट इनफ टू यूज डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। बट व्हाट हैपेंस इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, फिर हम यूज करेंगे अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, यहाँ भी सेम प्रिंसिपल यूज होगा कि जो मेरे मिसेबल लिक्विड्स हैं उनको अलग करने के काम आएगा। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी बॉइल होकर वो जल्दी वेपर स्टेट में हो जाएगा और कंडेंस होके मुझे अलग से मिल जाएगा। सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अब जो दो कॉम्पोनेंट्स है, जो दो मिसेबल लिक्विड्स है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। मैंने क्या बोला, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर व्हिच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ, अल्कोहल जिसका मेरा बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, और साथ में मे बी वाटर ले सकते हैं जिसका 100 है, तो अल्कोहल इन वाटर हो गया, डिफरेंस आ रहा है 22 डिग्री सेल्सियस बिकॉज वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। या मैं एक और एग्जाम्पल ले सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ एसीटोन एंड अल्कोहल का, एसीटोन का 56 है, अल्कोहल का 78 है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कम डिफरेंस आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से कम। सो ऐसे केस में जहां दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस कम है 25 डिग्री सेल्सियस से, वहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे द अपैरेटस इज एब्सोल्युटली सेम,
the way we set up is absolutely same, just a small, just a trivial difference is that मैंने यहाँ distillation flask के ऊपर एक fractionating column लगाया है. इस fractionating column के अंदर glass beads हैं. Glass beads हैं, आप porcelain भी use कर सकते हो, hard सा substance होता है. तो ये जो glass beads हैं, I repeat, it's a tube packed with glass beads. तो ये है मेरा fractionating column. ये glass beads दो role play करेंगे. अब ये दो रोल क्या प्ले करेंगे? सबसे पहले तो ये एक एज अ सरफेस, एज अ कूलिंग सरफेस एक्ट करेगा, ताकि जो मेरे वेपर्स हैं वो जल्दी से कूल हो और कंडेंस हो रिपीटेडली. रिपीटेडली वेपर्स कूल कंडेंस, कूल कंडेंस, जल्दी जल्दी ये होता जाएगा यहीं से. तो इसको काफी इसलिए भी यूज किया जाता है. एंड अनदर यूजेज ऑफ ग्लास बीड्स आर बेसिकली, जब हमें पता है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स से मैंने एसीटोन और अल्कोहल ले लिया, एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस एंड अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है. तो यू नो डिफरेंस इतना कम है कि हो सकता है कि पहले वाला सब्सटेंस पूरा लिक्विड बना भी ना हो, अलग सेपरेट हुआ भी ना हो, और दूसरे वाला सब्सटेंस साथ साथ बॉइल होके इवेपोरेट होना शुरू हो जाए. तो यहाँ आएगी दिक्कत कि सेपरेशन नहीं हो पाएगी. तो अब ग्लास बीड्स क्या रोल प्ले करेंगे? तो अब ग्लास बीड्स का रोल देख रहे हैं. तो मैंने अगर बोला कि लेट्स से सबसे पहले एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था एंड जो ज्यादा वोलेटाइल था, एट 56 डिग्री सेल्सियस वो वेपर बनना शुरू हो गया. अब वो वेपर बनना शुरू हो गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल भी धीरे धीरे बॉइल होके वेपर्स बनना शुरू कर दे बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा दूर नहीं है. लेकिन ये याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी. एंड अगर ग्लास बीड्स के थ्रू निकलना है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एफर्ट की जरूरत है पार्टिकल्स को, बिकॉज ये हार्ड सब्सटेंस है. तो एसीटोन जो कि पहले बॉइल हो गया है बिकॉज उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू अल्कोहल के 78 डिग्री सेल्सियस, तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा होगी. वो यहाँ से पियर्स करके अंदर चला जाएगा एंड यहाँ से निकल के नॉर्मली जो कूलिंग सिस्टम है वहां कंडेंस हो जाएगा एंड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा मेरा एसीटोन. लेकिन जो अल्कोहल या इथेनॉल भी बोलते हैं उसको, उसके पार्टिकल्स में अभी उतनी एनर्जी नहीं थी बिकॉज उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं किया था. हम वो चेक कर रहे थे यहाँ के थर्मोमीटर से एंड सिंस बॉइलिंग पॉइंट उसने रीच नहीं किया, एनर्जी उसके पार्टिकल्स में नहीं थी, वो इसको तोड़ नहीं पाए, वो यहाँ से पास नहीं हो पाए, उतना एफर्ट नहीं लगा पाए एंड वो यहीं पे वापस कंडेंस होके रह गया अल्कोहल. तो ऐसे करके सेपरेट हो जाएगा. ये रोल है ग्लास बीड्स का. दो रोल थे, दोनों रोल मैंने आपको समझा दिए हैं. तो अगर आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं तो मतलब इस चैप्टर का जो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था वो भी खत्म. आगे चलने वाले हैं हम अपने अगले सेपरेशन टेक्निक पे जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देती हूँ. कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में कि कैसे आप एयर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं. याद रखेंगे एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसके लिए भी मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज कर सकती हूँ. एक प्रोसेस है जो फ्लो चार्ट फॉर्म में आपके लिए लिखा हुआ है, देखते हैं. ये एयर है, हमें पता है हम अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो हम एयर को कंप्रेस एंड कूल कर सकते हैं. मैंने आपको चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे हैं वो कराए हुए हैं, है हमारे पास ये वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. तो मैंने क्या बोला कि अगर आप एयर में प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो वो कंप्रेस हो जाएगी और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो वो कूल हो जाएगी. तो इस वजह से वो हो गई लिक्विडफाइड, वो बन गई एयर का, बन गया लिक्विड एयर, वो हो गई लिक्विडफाइड.
अब मैंने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम होता है वहां इस लिक्विड एयर को धीरे धीरे अलाउ टू वार्म अप, धीरे धीरे मैंने अलाउ किया टू वार्म अप, कहां पे फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। एंड स्लोली एंड स्लोली आप कंफ्यूजन ये देखेंगे कि वो गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगी अलग अलग हाइट पे डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी, कौन सी गैस कूल डाउन होने पे सबसे पहले लिक्विफाई होगी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये आ सकता है आपका 3 मार्क्स में डायरेक्टली, फ्लो चार्ट बनाना कई बार टीचर्स दे देते हैं। अब चलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन पे। अब जिस सेपरेशन टेक्निक पे हम चल रहे हैं उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज होता है, इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब आप बोलेंगे यहाँ इस केस में मैं इवेपोरेशन क्यों यूज नहीं कर सकती या क्यों यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इवेपोरेशन के कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो क्रिस्टलाइजेशन ओवरकम कर सकता है, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ज्यादा हीट करने पे डीकम्पोज हो जाएंगे, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो सकते हैं, या ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से दे कैन गेट चार, फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर जो है लिटरली वो बर्न हो जाती है, चार्ड हो जाती है, अगर मैं बोल रही हूं मैं उसको हीट करूं सिर्फ और बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। और दूसरा ये कि कई बार फिल्टरेशन के बाद भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो इफ इन द केस मैं इवेपोरेशन यूज करूंगी तो जो सॉलिड मैं ऑब्टेन करूंगी वो प्योर नहीं होगा, इम्प्योर रह जाएगा। तो अब आप बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में भी कुछ पार्ट इवेपोरेट होगा लेकिन मैं उसे पूरी तरह इवेपोरेट ना करके सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाती हूँ और कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देती हूँ। आइए एक प्रोसेस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक इम्प्योर सैंपल है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, मुझे उसमें से प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने 5 ग्राम बोल सकते हैं, मैंने 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया है एक चाइना डिश में और उसके बाद मैंने उसको डिसॉल्व किया है बहुत कम, बस थोड़े से पानी में। मैंने कोशिश की कि मैं फिल्टर पेपर से इम्प्योरिटीज जितना हो सके मैं उसको फिल्टर कर दूं, सो फिल्टर दी इम्प्योरिटीज आउट, और मैंने जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ कॉपर सल्फेट और पानी का, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मैंने वहां पे किया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने पे पानी जो है वो हटना शुरू हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इवेपोरेशन नहीं करूंगी, सिर्फ इवेपोरेशन करती तो मैं इवेपोरेशन होने देती काफी टाइम तक और जो मेरे पास बचता कॉपर सल्फेट का जो रेसिड्यू बचता वो मेरे पास आ जाता, लेकिन वो कंटामिनेटेड हो सकता है, बिल्कुल प्योर नहीं भी हो सकता बिकॉज कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रह जाएंगी। ठीक है, फिल्टर करने से सारी इम्प्योरिटीज नहीं हटती, वही मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी, क्योंकि वो फिर सॉलिड को कंटामिनेट कर सकता है। सो इसमें मैंने क्या करना है, सिर्फ उतना इवेपोरेट करना है कि मुझे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। इनका मतलब मैं मैटर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि सैचुरेटेड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। इसके बाद जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया तो मुझे उसको कवर करना है एक फिल्टर पेपर से एंड उसको एज इट इज रूम टेम्परेचर पे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है 1 दिन के लिए, ताकि वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए स्लोली स्लोली। ये जब हो जाएगा तो आपको चाइना डिश में प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि बहुत ही सुंदर ब्लू कलर के होते हैं,
वो आपको मिलेंगे चाइना डिश में। तो ये प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए कैसे प्योर क्रिस्टल्स हमने ऑब्टेन किए एक इम्प्योर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से। हमने यहाँ पे पूरा इवेपोरेट नहीं किया, नहीं तो कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती, कंटामिनेटेड होता वो थोड़ा सा। इसके और भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि जो हम सी वाटर से सिर्फ इवेपोरेशन करके जो सॉल्ट निकाल लेते हैं आप, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करके उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल प्योर सॉल्ट सेफ फॉर कंजम्पशन होता है। साथ ही और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम होती है फिटकरी, फिटकरी के नाम से आप इसे जानते होंगे। फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल, उसके इम्प्योर सैंपल से जब आप उसको सेपरेट कर रहे हैं एलम को, फिटकरी को, वो भी हम क्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। आपने देखा होगा एलम जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया है, तो हमारा यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक जो है वो वाइंड अप हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि हर न्यू वीडियो जो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।